हेलो दोस्तों, मैं हूं ऐप शिक्षा और आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसको पीएनजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और रिमूव बीजी को टाइप करना है। ये वेबसाइट है Remove.bg, मतलब कि बैकग्राउंड रिमूव वाली वेबसाइट। इसमें आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं 100% फ्री और 100% ऑटोमेटिकली। ये वेबसाइट आप फ़ोन पे खोलो या फिर वेबसाइट पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक नीट एंड क्लीन सी वेबसाइट आपको दिखेगी, जिसमें आपको बता रखा है कि आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, इसका सेव कर सकते हैं टाइम का और मनी का, और ये 100% ऑटोमेटिकली है। ये बता रखा है कि किस किस के थ्रू ये यूज़ होती है। कुछ डेमो दिखा रखे हैं नीचे, जैसे देखिए ये कैसे बैकग्राउंड को चेंज किया गया है, बैकग्राउंड को रिमूव किया गया है। देखिए ये PNG और ट्रांसपेरेंट होने के कारण ही इमेज का बैकग्राउंड चेंज होता है। देखिए ये पूरा का पूरा डेमो दे रखा है और नीचे बता भी रखा है प्राइसिंग या सॉफ्टवेयर किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो हम सबसे पहले इसका ये सेलेक्ट आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा प्रॉफिट वाली जो फ़ोटो है, इसको सेलेक्ट करूँगा। देखिए क्लिक करने के बाद ये प्रिपेयर होगा अपलोड। अपलोड होने के बाद दो इमेज आई हैं, एक ओरिजिनल इमेज और एक इमेज जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक PNG इमेज है। यहाँ इस इमेज को आप अपने किसी भी PPT में या किसी अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में इसको लगा सकते हैं। ये इमेज विदाउट बैकग्राउंड है। अब देखिए, अब आपको बैकग्राउंड की टेंशन नहीं लेनी है। नीचे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए ये तीन रोज़ हैं, ब्लर की एक रो है जहाँ से हम इमेज को ब्लर कर सकते हैं, नीचे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई बैकग्राउंड है, उसको हम अपलोड करके यहाँ से सेलेक्ट फ़ोटो करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, देखिए नीचे जो रो है वो एक कलर रो है, जो हम इसको नॉर्मल कलर में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वाइट, ऑरेंज, पिंक, पर्पल। ये देखिए हम इस तरीके से कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं किसी भी इमेज को। यहाँ से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि कोई एरिया एक्स्ट्रा है तो हम उसको कट एंड क्रॉप कर सकते हैं कि वाइट एरिया नहीं है। और ऊपर जो सबसे ऊपर जो बटन है, उससे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये डाउनलोड, यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड इमेज जब हम क्लिक करेंगे तो ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी। देखिए ये ऊपर इमेज डाउनलोड हो चुकी है, ये देखिए ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी ऑफिशियल पर्पज़ से। ये वेबसाइट मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। 1000 फ़ोटोज़ हो, 500 फ़ोटो हो, 5 फ़ोटो हो, ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर पर भी ओपन होती है, तो आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या मोबाइल से अगर एक दो फ़ोटोज़ हैं यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये नीचे आपके सारे का सारा रिकॉर्ड सेव रहता है जो जो आपने किया है। आप ये क्रॉस बटन से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ ना रहे इस पे। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके की वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा।